हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज गौरव। सो आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले ओएसपीएफ राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल देखा, तो डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल में हम लोगों ने देखा डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, लिंक सेट राउटिंग प्रोटोकॉल एज वेल एज हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल। ओके, सो लिंक सेट राउटिंग प्रोटोकॉल में जैसे कि मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा एक बेसिक बता देता हूँ। डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल में हम लोगों ने देखा था लिंक सेट राउटिंग प्रोटोकॉल, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल और हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल। ओके, सो अभी हम लोगों ने डिस्टेंस वेक्टर ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसके अंदर रिपर्सन वन रिपर्सन टू है। ओके, जो प्रोटोकॉल का समावेश होता है। उसके बाद हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल, जिसके अंदर EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल का समावेश होता है। ये दोनों चीजें हम लोगों ने देखे। आज हम लोग देखने वाले हैं लिंक सेट राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में। सो यहाँ पे देख सकते हैं OSPF प्रोटोकॉल। OSPF प्रोटोकॉल ये बेसिकली आता है लिंक सेट राउटिंग प्रोटोकॉल में। ठीक है, अगर आपको कोई इंटरव्यू में पूछता है कि कौन से प्रोटोकॉल लिंक सेट राउटिंग प्रोटोकॉल के कहलाते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि OSPF और एक अनदर प्रोटोकॉल है ISIS प्रोटोकॉल। तो फिलहाल का आज का जो हमारा टॉपिक है वो है OSPF, तो ISIS को हम लोग स्किप कर देते हैं, ISIS आज नहीं देखेंगे। सॉरी, तो स्टार्ट करते हैं OSPF प्रोटोकॉल से। OSPF ओपन शॉर्टेड पाथ फर्स्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल OSPF के हम लोग फीचर्स के बारे में जान लेते हैं, एक एक फीचर जानते हैं कि OSPF एग्जैक्टली क्या है। सबसे पहले बात, OSPF इज अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल मींस अगर आपके पास कोई भी कंपनी का डिवाइस हो, कोई भी कंपनी का राउटर हो, जस्ट कंसिडर कि HP का राउटर है, या तो फिर Huawei का राउटर है, या तो फिर नॉर्टेल का राउटर है, या तो फिर सिस्को का राउटर है। मींस अगर आपके पास कोई भी कंपनी का राउटर हो, आप उसके ऊपर OSPF ये प्रोटोकॉल रन कर सकते हो, बिकॉज OSPF इज कॉम्पेटेबल फॉर द ऑल डिवाइसेस, ऑल वेंडर डिवाइसेस। ओके, जिसके ऊपर हम लोग OSPF प्रोटोकॉल रन कर सकते हैं, इसीलिए OSPF को हम लोग स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बोलते हैं। ओके, OSPF इट्स अ लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल में तीन टाइप्स होते हैं, डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट और हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल। सो OSPF का जिस राउटिंग प्रोटोकॉल में समावेश होता है वो है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। ओके, बिकॉज OSPF हमेशा लिंक के ऊपर हेलो पैकेज सेंड करता है, सेम एज EIGRP। EIGRP भी प्रोटोकॉल लिंक के ऊपर ही अपने अपने सेंड करने का काम करता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था EIGRP का, अगर प्रैक्टिकल EIGRP का अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो आप उसके अंदर देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने डिटेल में बताया उसको एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल क्यों बोलते हैं, एज वेल एज हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल क्यों बोलते हैं, तो आप वो देख सकते हैं। थर्ड वन इज इट यूजेस SPF algorithm, okay? कुछ कुछ बुक्स में इसको डिजिक्स्ट्रा भी algorithm लिखा हुआ है, तो बहुत आर सेम। ओके, तो इसमें कंफ्यूजन मत रखो। SPF algorithm means shortest path first, okay? So OSPF is a protocol which is having the shortest path first algorithm, okay? So और कुछ बुक्स में जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे डिजिक्स्ट्रा algorithm भी बोलते हैं। अनलिमिटेड होप काउंट मीन्स क्या? सी एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि अगर हम लोगों ने राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल के बारे में इंफॉर्मेशन निकाला, हम लोगों ने इसका स्टडी किया, तो हमें पता चला कि मैक्सिमम हम लोग 15 होप काउंट यूज कर सकते हैं, मतलब 16 राउटर यूज कर सकते हैं। अगर मैं EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल की बात करता हूँ, तो EIGRP में हम लोग 255 राउटर का यूज कर सकते हैं, 255 होप यूज कर सकते हैं, जिसमें बाय डिफॉल्ट 100 होता है। अगर मैं OSPF प्रोटोकॉल की बात करता हूँ, तो इसमें अनलिमिटेड होप काउंट है, मतलब अगर आपके पास 200 से ज्यादा है, 500 राउटर से, 1000 राउटर से या उसके ऊपर भी है, तो आप आराम से OSPF प्रोटोकॉल का यूज कर सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर होप काउंट्स का कोई लिमिट दिया हुआ नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं OSPF के एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की बात करता हूँ, तो OSPF का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है 110। ओके, तो जब भी हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे शो IP राउट, उसके अंदर OSPF के राउट्स दिखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि OSPF के राउटिंग प्रोटोकॉल का AD वैल्यू होता है 110।
तो हम लोग उसके अंदर ही देखेंगे। अगर मेरे पास कुछ राउट्स है जो रिडिस्ट्रीब्यूट होकर ओएसपीएफ के अंदर भी आते हैं, तभी भी हम लोग वो राउट्स 110 करके ही देख सकते हैं। ये मामले में थोड़ा ईआईजेडपी थोड़ा डिफरेंट है, तो आप ईआईजेडपी के प्रैक्टिकल में वो देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द मैट्रिक। ओएसपीएफ का मैट्रिक होता है कॉस्ट। ओके, तो इसका फार्मूला है 10^8 अपॉन बैंडविड्थ। ठीक है, तो ये डिफरेंट लिंक के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कैलकुलेशन है जो कि हम लोग कर सकते हैं। तो इन फ्यूचर जो हम लोग लेक्चर लेने वाले हैं उसके अंदर और डिटेल में इसके बारे में भी डिस्कस करने वाला हूं। ओके, ओएसपीएफ इज अ क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल। क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल मीन्स क्या? क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल मीन्स ही कैन सपोर्ट VLSM जो कि सबनेटिंग है। सबनेटिंग अगर हम लोगों ने पढ़ा है तो सबनेटिंग में दो टाइप्स थे, एक था FLSM और सेकंड था VLSM, करेक्ट। तो OSPF इज अ प्रोटोकॉल, ही कैन सपोर्ट VLSM एज वेल एज द CIDR क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, ही कैन सपोर्ट द बोथ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, OSPF सपोर्ट ओनली इक्वल कॉस्ट ऑफ लोड बैलेंसिंग। ठीक है, OSPF में अनइक्वल कॉस्ट ऑफ लोड बैलेंसिंग नहीं होता है। ठीक है, काफी लोग इंटरव्यू क्वेश्चन पूछते हैं कि OSPF अनइक्वल कॉस्ट ऑफ लोड बैलेंसिंग सपोर्ट करता है कि नहीं। ठीक है, तो सिंपल से उसका आंसर देना, OSPF इज अ प्रोटोकॉल, ही कैन सपोर्ट ओनली इक्वल कॉस्ट ऑफ द लोड बैलेंसिंग, ये अनइक्वल कॉस्ट ऑफ लोड बैलेंसिंग को सपोर्ट नहीं करता है। अनइक्वल कॉस्ट ऑफ लोड बैलेंसिंग को जो प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है वो होता है EIGRP, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इज OSPF, ये जो प्रोटोकॉल है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एरिया वाला कंसेप्ट। ठीक है, OSPF का अगर OSPF देखेंगे तो एक लार्जर स्केल में चलता है ये प्रोटोकॉल। ठीक है, अगर मेरे पास लार्जर स्केल का नेटवर्क है तो उस नेटवर्क में मैं OSPF का OSPF प्रोटोकॉल का यूज करता हूँ। ठीक है, अभी जितने मेरे पास लार्जर स्केल मीन्स बहुत सारे राउटर्स, अगर बहुत सारे राउटर्स रहेंगे तो मेरे पास बहुत सारा डेटाबेस रहेगा, तो सभी डेटाबेस को मैनेज करने के लिए तो OSPF ने जो कंसेप्ट निकाला है दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज अ एरिया कंसेप्ट। ओके, एरिया क्या करता है? डिफरेंट डिफरेंट एरिया डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मैनेजमेंट करता है फॉर कंट्रोलिंग द ट्रैफिक, कंट्रोलिंग द डेटाबेस। ओके, तो इसलिए इसके अंदर एरिया वाला कंसेप्ट है। तो हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे उसके अंदर काफी पता चलेगा हमें कि एरिया क्यों आता है, एरिया जीरो क्या होता है, वन क्या होता है, टू क्या होता है, टेन क्या होता है, ABR राउटर, ASBR राउटर, काफी सारे अच्छे अच्छे कंसेप्ट है OSPF पे। OSPF इज वेरी बिग प्रोटोकॉल। तो हम लोग इस मेरे YouTube चैनल के साथ अब टच में रहो, बहुत सारी चीजें मैं OSPF के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज OSPF ही कैन सेंड मल्टीकास्ट अपडेट विथ IP एड्रेस 224.0.0.5। इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के थ्रू OSPF मल्टीकास्ट अपडेट भेजता है। ठीक है, कुछ कुछ बुक्स में उन्होंने मेंशन किया है 224.0.0.6। ओके, सो OSPF इज अ प्रोटोकॉल, ही इज हैविंग द टू मल्टीकास्ट आईपी एड्रेसेस 224.0.0.5 और 224.0.0.6। OSPF इज अ वेरी फास्टर प्रोटोकॉल। अगर मैं इसका कंपैरिजन रीप के साथ करता हूँ तो रीप तो एवरी 30 सेकंड में अपडेट देता था। ठीक है, अगर EIGRP की बात करता हूँ तो EIGRP 5 सेकंड में अपने अपडेट सामने वाले राउटर के पास पहुंचाता था या तो हेलो पैकेज भेजता था। सेम एज अगर मैं OSPF की बात करता हूँ, सो OSPF इज राउटिंग प्रोटोकॉल, ही कैन ही सेंड द अपडेट इन एवरी 10 सेकंड। एवरी 10 सेकंड में अपडेट करता है। ठीक है, अगर सामने वाले राउटर या तो नेबर राउटर से अगर मेरे पास 4 टाइम अपडेट आते, मतलब लाइक 40 सेकंड तक अपडेट नहीं आते, तो वो उस पर्टिकुलर डिवाइस को डेड घोषित कर देता है। ठीक है, OSPF इज अ प्रोटोकॉल, ही कैन सेंड द इंक्रीमेंटल अपडेट। इंक्रीमेंटल अपडेट मींस जैसे कि मेरे पास 2 राउटर है, करेक्ट, अगर यहाँ पे किसी ने और एक नेटवर्क कनेक्ट कर दिया सो दैट इज द इंक्रीमेंटल राउट। ओके, सो ये राउट का अपडेट सामने वाले नेबर वाले राउटर के पास पहुंचाने का काम करना, दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल अपडेट। ओके, तो ये सब चीजें OSPF के अंदर आने वाली है, तो हम लोग आगे में एक एक स्टेप करके आगे में देखेंगे कि OSPF के फीचर्स क्या है। ठीक है, यहाँ तक तो मैंने बताया कि OSPF के एक बेसिक फीचर्स क्या है जिसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा एक बेसिक इन्फॉर्मेशन लिया है। नेक्स्ट वाले सेशन में मैं बताऊंगा कि OSPF के स्टेजेस क्या है।
ठीक है, ओएसपीएफ पे 7 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला होता है डाउन स्टेज, उसके बाद होता है सॉरी सबसे पहला करेक्ट डाउन स्टेज, उसके बाद होता है एनी स्टेज, उसके बाद होता है टू वे, नेक्स्ट होता है एक्सट्रैक्ट, नेक्स्ट होता है एक्सचेंज, उसके बाद होता है लोडिंग एंड फुल। सी दिस आर द ओएसपीएफ स्टेजेस। तो हर स्टेजेस में ओएसपीएफ किस तरीके से वर्क करता है इसके बारे में हम लोग डिटेल इन्फॉर्मेशन लेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया हो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में टुमारो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर।